हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल ऑनलाइन डिजिटल क्लासेज। देखो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने बात की थी सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, मतलब थर्ड चैप्टर आपका चालू कर दिया था। उसके अंदर मैंने सिंथेटिक फाइबर यानी कि जो भी संश्लेषित रेशे हैं उनको कैसे तैयार किया जाता है या संश्लेषित रेशे क्या चीज़ है उनका मतलब समझाया था। और संश्लेषित रेशो के टाइप से हमने दो टॉपिक तैयार कर लिए थे, एक तो रेयन रेशा और एक नाइलॉन। आज का जो टॉपिक है वो तीसरे प्रकार का संश्लेषित रेशा है जिसका नाम है ओरलॉन या एक्रिलिक। ओरलॉन या एक्रिलिक, देखो ओरलॉन या एक्रिलिक क्या है, पहले मैं आपको बता दूं। आप ये सोच रहे होंगे सर ये किस टाइप का रेशा आ गया, क्या हमने कभी इसको देखा भी है? देखा ही नहीं, आपने इसको पहना भी है। सुनो, कुछ ऊनी आइटम है जो आप सर्दियों में यूज लेते हो तो वो ऊन से तैयार किए जाते हैं, जैसे स्वेटर है या शॉल है या और कोई टाइप का मान लो ऊनी आइटम। लेकिन आपने देखा होगा कि आजकल ये जो ऊन जो सर्दियों के अंदर जो पहनने के जो कपड़े आ रहे हैं वो ऊन से ना बनकर ऊन जैसे पदार्थ के बने होते हैं। हालांकि आपको देखने पर ऐसा लगेगा कि ये ऊन नहीं है, लेकिन जब पहनेंगे, जब हम उनको महसूस करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये ऊन ही है। कहने का मतलब यह है कि वो जो रेशे हैं जो हम आज के टाइम में सर्दियों में यूज करते हैं वो ऊन ना होकर ऊन के सदृश है या ऊन के सिमिलर है, ऊन के समान है। पहनी होगी आपने, जैसे कई टाइप की ऊनी टी शर्ट आने लग गए आजकल, कई टाइप के ऊनी स्वेटर, हकीकत में ऊन नहीं हो। हालांकि उनसे सर्दी रुकती है, सर्दियों में काम में आती है, गर्माहट रहती है, लेकिन वो ऊन नहीं है। वो ऊन जैसे रेशे हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ओरलॉन या एक्रिलिक। ऊन के समान बनने वाले रेशे क्या कहलाते हैं, ओरलॉन या एक्रिलिक। और आपको पता है कि जितने भी सिंथेटिक फाइबर है वो उनकी जो एज ए जो रॉ मटेरियल है वो केमिकल है, वो सब रसायनों से तैयार किए जाते हैं। तो ओरलॉन बनाने के लिए आपको दो टाइप के रसायन चाहिए, एक तो एथिलीन ग्लाइकोल प्लस टेरेप्थेलिक अम्ल। एथिलीन ग्लाइकोल प्लस टेरेप्थेलिक अम्ल, तब जाके बनेगा क्या, ओरलॉन, या इसको क्या बोल सकते हो, एक्रिलिक। तो ये देख लो, छोटा सा टॉपिक है। ओरलॉन बनाने की विधि क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेप्थेलिक अम्ल को मिलाकर क्या बनाया जाता है, ओरलॉन। ओरलॉन का उपयोग यही है कि सर्दियों में ऊन के समान वस्त्र का निर्माण करने में। समझ गए, जो तीसरा रेशा था वो ओरलॉन या एक्रिलिक था, वो एक ऊनी टाइप का रेशा होता है, ऊन नहीं होता, ऊनी टाइप का रेशा होता है। और उसको बनाने के लिए जो दो केमिकल चाहिए, टेरेप्थेलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल, तब जाके मेड होता है, तब जाके बनता है ओरलॉन। ठीक है, एक टाइप का रेशा और पढ़ लेते हैं हम, इसमें जोड़ देते हैं इसको, और वो है पॉलिएस्टर। वो क्या है, पॉलिएस्टर। देखो पॉलिएस्टर का नाम आप सबने सुना होगा, पॉलिएस्टर वस्त्र निर्माण में या कपड़ा उद्योग में इसका यूज किया जाता है। पॉलिएस्टर के जो कपड़े होते हैं अधिक चमकदार होते हैं, रेशमी टाइप के होते हैं, या हल्के होते हैं, लाइट वेट होते हैं, मजबूत होते हैं, टिकाऊ होते हैं, जिनमें सलवटें नहीं पड़ती, यानी कि सबसे ज़्यादा जो यूज किया जाता है कपड़ों के रूप में पॉलिएस्टर को काम में लेते हैं। तो एक बार अगर हम पॉलिएस्टर के वर्ड को तोड़ें तो ये बनता है पॉली प्लस एस्टर। पॉली का मतलब होता है अनेक, और एस्टर क्या है, देखो एस्टर एक प्रकार का केमिकल ग्रुप है, ऐसे मान लो एक प्रकार का रसायन है। और एस्टर कहाँ से तैयार किया जाता है, जो फलों में और सब्जियों में जो खुशबू आती है ना, जो गंध आती है, वो एस्टर के कारण ही होती है। तो एस्टर वहाँ से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी एस्टर की जब इकाइयाँ मिल जाती है तब क्या बन जाता है, पॉलिएस्टर। क्या बन जाता है, पॉलिएस्टर। और हम हमारी डेली लाइफ में
कई प्रकार के पॉलिएस्टर देखते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं, डिटेल से पढ़ते हैं पॉलिएस्टर के प्रकार। पॉलिएस्टर के प्रकार देखो, एग्जाम्पल एक, सबसे पहले मैं पॉलिएस्टर की बात करूं तो एक तो है पैट, पैट पॉलीइथाइल टेरेप्थेलेट। सुनो क्या पढ़ रहे हैं, संश्लेषित रेशों के प्रकार। तीन हमने पढ़ लिया, चौथा मैंने चालू कर रखा है पॉलिएस्टर, और मैंने पॉलिएस्टर का मतलब समझा दिया कि पॉलिएस्टर एस्टर की विभिन्न इकाइयों से बनते हैं। एस्टर कहाँ से प्राप्त होता है, फलों और सब्जियों में जो गंध बनती है ना, जिन रसायनों से, वो एस्टर कहलाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं पॉलिएस्टर कितने टाइप की होती है। तो पॉलिएस्टर का सबसे पहला एग्जाम्पल है पैट, पॉलीइथाइलिन टेरेप्थेलेट, पॉलीइथाइलिन टेरेप्थेलेट। ये एक विशेष प्रकार की पॉलीथीन होती है, विशेष प्रकार की पॉलीथीन। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, देखो, इसका उपयोग बर्तन बनाने में, इसका उपयोग फिल्म बनाने में, और इसका उपयोग तार बनाने में किया जाता है। बर्तन, इस ये जो पैट है ना, थोड़ी सी हार्ड टाइप की पॉलिएस्टर है, इसका यूज किया जाता है बर्तन बनाने में। फिल्म, फिल्म का मतलब है जो रील आती है ना, कैमरे में डलने वाली जो रील है, उसका यूज, या आपने देखा होगा डीवीडी कैसेट आती थी पहले, डीवीडी की कैसेट, वो जो कैसेट बनती थी ना डीवीडी वाली, वो किससे बनाई जाती थी, पैट से बनती थी। और एक तार, तार बनाने में भी पैट का उपयोग, सॉरी पैट का उपयोग किया जाता है। तो ये तो हो गई पॉलिएस्टर का पहला एग्जाम्पल, किस रूप में, एज ए पैट। और अगर हम और भी पॉलिएस्टर की बात करें तो कई टाइप की पॉलिएस्टर है, जैसे पॉलीवूल, और अगर बात करें पॉलीवूल, पॉलीकोट, और एक है टेरीकोट, और एक है टेरीलीन। ये देखो, ये सब किसके टाइप है, पॉलिएस्टर के टाइप है। पॉलीवूल, इसके नाम से पता लग रहा है, पॉली मतलब पॉलिएस्टर, वूल मतलब ऊन, तो पॉलिएस्टर और ऊन, इन दोनों को मिलाकर भी विशेष प्रकार के क्या बनाए जाते हैं, कपड़े या वस्त्र का निर्माण किया जाता है। कई टाइप के कपड़े ऐसे बनते हैं, कई टाइप की ऐसी पॉलिएस्टर होती है जिनमें ऊन मिक्स होती है, और उनका यूज हम वस्त्र निर्माण में करते हैं। पॉलीकोट, पॉली का मतलब तो हो गया पॉलिएस्टर, और कोट का मतलब हो गया कॉटन। इसका निर्माण भी किसमें किया जाता है, वस्त्र उद्योग के अंदर। देखो पॉलिएस्टर को ऐड किया जा रहा है, एक बार तो ऊन के साथ और एक बार कॉटन के साथ, कपास के साथ। टेरीकोट, टेरीलीन, टेरीलीन प्लस कॉटन, इन सब का निर्माण, इन सब का निर्माण होता है वस्त्र उद्योग में, सॉरी वस्त्र उद्योग में। ठीक है, और फाइनली लास्ट में जो पॉलिएस्टर है वो किस टाइप की है, टेरीलीन। तो मैं आपको बता दूं, टेरीलीन एक विशेष प्रकार की पॉलिएस्टर होती है जिसका यूज भी कपड़े निर्माण में किया जाता है। लेकिन ये जो पॉलिएस्टर है ये बहुत ज़्यादा महीन और बहुत ज़्यादा बारीक होती है, मतलब इस प्रकार से बने पॉलिएस्टर के कपड़े से अगर हम एक भी पॉलिएस्टर की इकाई को बाहर खींच ले तो पूरा कपड़ा क्या हो जाता है, पूरे रेशे निकल आते हैं उससे। जैसे आप, मैं समझा सकता हूँ आपको, जैसे जो लड़कियों का जो पहनावे की पोशाक का जो एक कपड़ा है, चुन्नी, चुन्नी भी एक विशेष प्रकार की टेरेलिन से बनाई जाती है। तो उस चुन्नी का अगर आपने एक भी धागा खींच लिया तो वो सारी चुन्नी क्या हो जाती है, बेकार हो जाती है। तो वो जो चुन्नी बनी हुई है ना, वो किस टाइप की पॉलिएस्टर से बनी हुई है, वो है टेरीलीन से। तो पॉलिएस्टर का
देखा जाए ना तो ज़्यादा बेसिक यूज होता है किसके लिए, कपड़ों के लिए या वस्त्र उद्योग के लिए। तो ये संश्लेषित रेशो के प्रकार खत्म। ओके, अब हमें पढ़ना है संश्लेषित रेशो के गुणधर्म। ठीक है, संश्लेषित रेशो के गुणधर्म। संश्लेषित रेशो के गुणधर्म, तो देखो हमने हेडिंग क्या डाली है, संश्लेषित रेशो के गुणधर्म। अब आपको ये एक स्पेशल रूप से टॉपिक तैयार करना आपको, क्योंकि ये जो मैंने हेडिंग डाली है संश्लेषित रेशो के गुणधर्म, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्टार्ट करो संश्लेषित रेशो के गुणधर्म। पहला पॉइंट यह है कि संश्लेषित जो रेशे होते हैं ना वो अत्यधिक चमकदार होते हैं, चमकदार होते हैं, प्रबल होते हैं और मजबूत होते हैं। नंबर दो, संश्लेषित रेशो से बने कपड़ों में सलवटें नहीं आती। संश्लेषित रेशों से बने कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। नंबर चार, संश्लेषित रेशों से बने कपड़े हल्के होते हैं। नंबर पाँच, हर जगह उपलब्ध है। नंबर छः, और सस्ते होते हैं। ये देखो कितनी सारी प्रॉपर्टीज है सिंथेटिक फाइबर से बने क्लॉथ के अंदर। सबसे पहले जो पॉइंट है कि संश्लेषित रेशे जो होते हैं अत्यधिक चमकदार होते हैं, प्रबल का मतलब स्ट्रॉन्ग टाइप का होता है, मजबूत है, कपड़ों में सलवटें नहीं होती। संश्लेषित रेशों से जो कपड़े तैयार बनते हैं, जैसे पॉलिस्टर से जो कपड़े बनते हैं, उनमें सलवटें नहीं आती है। आप उसको अगर ऐसे हाथ से उसको कैसे भी करके अगर उसको ऐसे सिकुड़ भी लेते हो तो भी वापस उसको खोलते हो तो उसमें सलवटें नहीं आती। जबकि अगर आप सूती कपड़ों की बात करो तो उसको अगर एक बार हाथ से सिकुड़ दिया जाए तो उसमें बहुत सारी सलवटें आ जाती हैं। तीसरी बात, ये कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। बिल्कुल, अगर संश्लेषित रेशे जैसे पॉलिस्टर के बने कपड़े आप धो कर सुखाते हो तो कुछ ही टाइम के बाद वो क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, क्योंकि वो पानी अवशोषित नहीं करते हैं। कपड़े कैसे होते हैं, बिल्कुल लाइट वेट होते हैं, उनमें वजन नहीं होता है, हर जगह उपलब्ध हैं। हर जगह से मतलब है कि ऐसा नहीं कि किसी स्पेशल दुकान पे या किसी स्पेशल शॉप के ऊपर ही आपको ये मिल सकते हैं। आप जहाँ पर भी जाओ हर जगह आपको पॉलिस्टर से बने कपड़े या संश्लेषित रेशों से बने कपड़े तैयार मिलेंगे। और ये सबसे बड़ी बात, ये कैसे होते हैं, सस्ते होते हैं। लेकिन संश्लेषित रेशों के गुणधर्म के साथ हमें इसकी हानि भी पढ़नी है, और वो मैं नोट डाल के ऐसे पढ़वा रहा हूँ कि हमें भली भांति इस चीज़ का पता है कि संश्लेषित रेशों से बने कपड़े केमिकल से निर्मित होते हैं। मतलब जो सिंथेटिक फाइबर से जो क्लोथ प्रिपेयर किए गए हैं, तैयार किए गए हैं, वो किससे बने हुए हैं, रसायनों से, केमिकल से। और केमिकल एक प्रकार का पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है। कहने का मतलब ये है कि संश्लेषित रेशे आग पकड़ते हैं, आग। तो कभी भी किसी भी हालत में संश्लेषित रेशों से बने कपड़े पहनकर हमें किचन में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो केमिकल से बने हुए हैं। और केमिकल क्या होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, और पेट्रोल आग पकड़ता है। तो संश्लेषित रेशे बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, और अगर गलती से आग पकड़ भी ली ना तो वो सारे संश्लेषित रेशों के जो कपड़े हैं वो मेल्ट होके पिघल कर बॉडी से चिपक जाते हैं। और अगर बॉडी से चिपक जाएंगे तो फिर स्किन जलने का बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाता है। तो ये एक माइनस पॉइंट है सिंथेटिक फाइबर का, कि इससे जो कपड़े बने होते हैं वो रसायनों से बने हैं, केमिकल से बने हैं, और वो
आग पकड़ते हैं। तो इसका सीधा सा उपाय यही है कि अगर इस चीज़ से बचना है तो कभी भी किचन में सिंथेटिक फाइबर से बने क्लोथ वियर ना करें, उनको पहने नहीं, ठीक है। किचन में हमेशा सूती कपड़ों का यूज करें और ये संश्लेषित कपड़े पहनकर आग के पास जाना ही नहीं है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया किसका, संश्लेषित रेशों का। तो इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक तो संश्लेषित रेशे और एक प्लास्टिक। तो जैसे ही नेक्स्ट क्लास चालू होगी उसमें हम पढ़ेंगे क्या, प्लास्टिक के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।